हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। फ्रेंड्स, आज हम ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओवरलोडिंग मेथड जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए अगर एज अ फ्रेशर आप जावा के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये इस चीज़ के बारे में बहुत पूछा जा रहा होता है, और इवन ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग के बारे में बहुत पूछा जा रहा होता है। तो आज हम आपको ओवरलोडिंग के बारे में बताएंगे, ओवरलोडिंग मेथड क्या होता है। अगर किसी क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मेथड सेम नाम के बने हो, मतलब सेम, आप समझ रहे हैं कि क्लास एक होगा, क्लास के अंदर अगर आपके मेथड्स हैं, वो मेथड अगर मैंने एक से ज़्यादा मेथड्स बनाए हैं वो भी सेम नाम के, अगर मैंने टेस्ट नाम का मेथड बनाया है तो टेस्टी नाम के एक मेथड टेस्ट नाम का, फिर से दूसरा मेथड टेस्ट नाम का, या फिर तीसरा चौथा, जितने भी मेथड्स मैंने बनाए हैं एक से ज़्यादा, हाँ, लेकिन उनके आपका कहीं ना कहीं उसका टाइप चेंज हो, उनका ऑर्डर चेंज हो, पैरामीटर्स मतलब आपके वेरी कर रहे हो, तो वो ओवरलोडिंग मेथड एज अ वर्क मतलब कहे जाएंगे। तो मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा मेथड एक ही क्लास के अंदर ओवरलोडिंग कहे जाते हैं जब उनके नाम सेम हो पर उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो। आपका पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं कभी कभी नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब किसी में एक पैरामीटर, किसी में दो पैरामीटर, किसी में तीन पैरामीटर, या फिर उसके ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले हमने पैरामीटर में इंट और डबल लिया था, दूसरे मेथड में मैंने आपका डबल और इंट ले लिया, मतलब हमने आगे पीछे कर दिया, तो आपका ऑर्डर भी वेरी कर रहा होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उस मेथड का आगे का रिटर्न टाइप डिफरेंट कर लें, कि जैसे पहले हमने इंट टेस्ट लिया और दूसरा मेथड जो मैंने बनाया वो डबल टेस्ट बना दिया है, तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, उसको वो एरर दे देगा। पर अगर आपके पैरामीटर्स डिफरेंट हुए तो वो आपका कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग मेथड को एक्सेप्ट करा जाएगा। ये एक तरीके का जावा में पॉलीमॉर्फिज्म को मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अब आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने मेथड ए नाम का एक मेथड बनाया है जिसको मैं ओवरलोडिंग आपको दिखा रही हूँ। अगर मैंने मेथड ए लिखा है और उसके पैरामीटर बनाया, मतलब उसके अंदर मतलब डिफ़ॉल्ट मेथड बना दिया है, दैट इज़ ओवरलोडिंग आपका। अगर हम उसमें मेथड ए ले ले रहे हैं, इसके अंदर एक पैरामीटर इंटीजर पास कर दे रहे, या फिर मेथड ए में मैं पहले इंटीजर पास कर रही हूँ, दूसरा डबल पैरामीटर पास कर रही हूँ, या फिर पहले मैं डबल पास कर दे रही हूँ, दूसरा इंटीजर पास कर दी, तो ये सारे आपके मेथड ओवरलोडिंग माने जाएंगे एक ही क्लास के अंदर। इनको आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेथड ए में जैसे इंट पास कर रहे हैं लेकिन उसके आगे का टाइप वो आप मतलब आपका उसमें आप सोच रहे हो कि रिटर्न टाइप पहले इंट ले ले रहे हो और फिर डबल ले ले रहे हैं, तो नहीं, दैट इज़ वो आपका नहीं माना जाएगा, दैट विल बी एन एरर, क्योंकि वो ये कहेगा कि ऑलरेडी आपने मेथड ए और पैरामीटर इंट था और दूसरे में भी आपने मेथड ए इंट लिया, भले आपने उसका रिटर्न टाइप पहले इंट लिया था और डबल लिया था, पर ये आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि इन दोनों में आपके पैरामीटर सेम होंगे और सेम नेम होगा, सेम टाइप होगा, ऑर्डर भी सेम होगा। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर समझ में आए। यहाँ पे मैंने क्लास लिया है ओवरलोड डेमो नाम का, जिसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है टेस्ट नाम का, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया है, और उसमें एक मैं मैसेज प्रिंट कराना चाह रही हूँ नो पैरामीटर। इसके बाद मैंने दूसरा एक फिर से ओवरलोडिंग मेथड बनाया है टेस्ट नाम का, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर इंट नाम का पास किया है, और इसमें अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो एक ही वैल्यू प्रिंट कराऊंगी। इसी तरीके से आपका तीसरा लिया है पैरामीटर टेस्ट नाम का, जिसमें मैं ए बी की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, और चौथा डबल नाम का, जिसमें डबल की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग पैरामीटर्स पास करे हुए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि जो लास्ट वाला हमारा मेथड है डबल टेस्ट डबल ए, इसमें मैंने डबल मतलब आपका कहीं ना कहीं रिटर्न टाइप होगा, तो वो मैंने रिटर्न ए इंटू ए आपका करा हुआ है।
अब मैं आपका ये जो इसके मैं सेकंड पार्ट पे पहुंचती हूँ, जहाँ पे मेरा मैंने क्लास में ओवरलोड बना के बनाया हुआ है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो मतलब मेरा क्लास मेन जो है ओवरलोड नाम का, इसी नाम से सेव करेंगे ओवरलोड बन, और इसमें मैंने एक ओ बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब मैं जैसे ओ बी डॉट टेस्ट को कॉल करूँगी, तो ऑटोमेटिकली वो टेस्ट वाले मेथड को कॉल करेगा, वो सीधे यहाँ से टेस्ट वाले मेथड पे जाएगा, और टेस्ट वाले मेथड पे हमारा आंसर जो दिखाई दे रहा है कि नो पैरामीटर, तो वो ऑटोमेटिकली नो पैरामीटर प्रिंट करेगा। फिर आपका आपका जो सेकंड वाले में है, उसमें इन आपका ओ बी डॉट टेस्ट एक इंटीजर वैल्यू 10 पास करा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका वॉइड टेस्ट इंट ए पे जाएगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू जो 10 वहाँ पे पास थी, वो 10 यहाँ पे आ जाएगी, और जिस वजह से जो वैल्यू ए की प्रिंट होगी वो 10 आएगी। दूसरे वाले में अब आपका तीसरा वाला जो है, इसमें आपका ओ बी डॉट टेस्ट में मैं दो इंटीजर वैल्यू पास कर रही हूँ, 10 और 20, तो ऑटोमेटिकली ये आपके मेथड कौन से जो आप जिसमें आपके दो पैरामीटर्स इंटीजर टाइप वाले पास हो रहे हैं उस पे जाएगा, और उस पे जाके ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमारा आपका आया कि लास्ट आपका रिजल्ट इज़ इक्वल टू ओ बी, तो रिज़ल्ट यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि वो रिटर्न टाइप हो रहा है, उस रिटर्न टाइप के लिए मैंने यहाँ पे डाला ओ बी डॉट टेस्ट में 1, 2, 3.2 वैल्यू मैंने डाली हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले यही चीज़ को लेके आपका वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पे आपका जाने के बाद वो सबसे पहले डबल ए ए की वैल्यू क्या है 1, 2, 3.2 ये आपका प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके नीचे वाली लाइन पे जैसे जाएगा ए इंटू ए, तो वो वैल्यू 1, 2, 3.2 × 1, 2, 3.2 को लेके मल्टीप्लाई करके आएगा, और यहाँ पे जो आपका लास्ट लाइन का है रिजल्ट ऑफ ओ बी टेस्ट, उसमें वो आपका प्रिंट करेगा इसका मल्टीप्लाई करके, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आपका आउटपुट जो दिखाई दे रहा होगा वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब हम मैं आपको एक और नई चीज़ बताने जा रही हूँ कि अगर आपको ओवरलोडिंग में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करना है, तो वो हम किस तरीके से आपके प्रोग्राम में कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने आपका एक नॉर्मल क्लास बनाया है ओवरलोड डेमो नाम का, जिसके अंदर पहला टेस्ट नाम का मेथड बनाया है जिसमें नो पैरामीटर पास करा है, दूसरा आपका वॉइड टेस्ट जिसमें मैं इंट ए और डबल बी फॉर्म कर रही हूँ रन, तीसरे में डबल ए और इंट बी कर रही, तो ऑटोमेटिकली हम कहीं ना कहीं उसके पैरामीटर्स हम आगे पीछे कर देते, तो ये एक्सेप्टेबल रहता है, और आपका चौथा जो है वो टेस्ट में डबल ए मतलब एक सिंगल आपका डबल पास कर रहे हैं। तो चलिए इसके मेन फंक्शन पे आ जाते हैं, तो जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपका जैसे इसका मेन फंक्शन पे क्लिक करती हूँ, तो मैंने आपका क्लास ओवरलोड बन नाम का बनाया हो, जिसमें ओ बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट बनाना तो बहुत ही सिंपल है, मतलब क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का जो भी नाम दे रहे हैं इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर से बना देंगे। अब मैंने इसमें ओ बी नाम डॉट टेस्ट को कॉल किया, तो जैसे ओ बी डॉट टेस्ट को कॉल किया तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड टेस्ट पे आ जाएगा, और उसके अंदर जाके सबसे पहला आपका नो पैरामीटर प्रिंट कर देगा। इसके बाद जैसे मैं आपका सेकंड वाला क्लिक करूँगी, जिसमें आपका पहला इंटीजर 10 और दूसरा आपका डबल 20.8 को कॉल करेगा, तो वो आपका ए और बी की वैल्यू नॉर्मली प्रिंट कर देगा 10 और 20.8। फिर अगर हम जाएंगे हमारा तीसरे पे आएगा, तीसरे में आपका पहला आपका 10.7 और दूसरा आपका 20, मतलब पहला डबल वह है और दूसरा आपका इंटीजर है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपका जाके वहाँ पे कॉल होएगा, और ए बी की वैल्यू पहले 10.7 और दूसरा 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए अभी तक तो ये नॉर्मली प्रोसेस वर्क कर रहा था, अब हमारा जो आया है वो आया ओ बी डॉट टेस्ट आई। आई आपका क्या है, एज एन इंटीजर है जो आप ऊपर हमने डिक्लेयर करा हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि अब मैं इसको क्योंकि यहाँ पे हमारे में कोई भी सिंगल इंटीजर नाम का पैरामीटर नहीं अवेलेबल था, तो ये जाएगा तो आपका डबल वाले पे, और यहाँ पे आई की वैल्यू 88 जो मेंशन है वो आपकी एज एन इंटीजर वैल्यू मेंशन है, तो जब यहाँ पे टेस्ट आई कॉल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके लास्ट वाले पे जहाँ पे आपका डबल वाला फंक्शन को कॉल करा जा रहा था वॉइड टेस्ट डबल ए, तो क्योंकि ये इंटीजर है तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग की वजह से
यहाँ पे जो आपका प्रिंट होएगा वो आपका आई की वैल्यू 88 तो होगी, पर क्योंकि डबल टाइप की इस वजह से 88.0 प्रिंट होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके डबल आपके डेसिमल वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद हमारा इसी में आपका जो हम वर्क कर रहे हैं नेक्स्ट वाला, जिसमें आपका बस हमारे डबल की वैल्यू अब हमारी प्रिंट होनी, जो हमारी ऑटोमेटिकली डबल ही की वैल्यू थी, तो वो तो नॉर्मली आपकी 123.2 आप देख रहे हैं प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब दिस इज़ अगर आपका कहीं पे भी इंटीजर को डबल करना होगा वो .00 ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए। और आपको अगर प्रेफर है कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, लव एंड पीस टू ऑल। बाय बाय।